नमस्कार, एकेएस विश्वविद्यालय की खबर में आपका स्वागत है और खबरों के साथ में हूं सत्यभूषण सिंह। माइनिंग के क्षेत्र में धूल धुआं और प्रदूषण ऐसे कारक हैं जो वहां कार्य करने वाले लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। इन कारकों के दुष्प्रभाव से किस प्रकार बचा जाए, इस विषय पर विश्वविद्यालय के माइनिंग विभाग द्वारा विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया गया। इस लेक्चर के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर मंडल द्वारा विद्यार्थियों और उपस्थित फैकल्टी से रूबरू इस विषय पर ऐसी रोचक और अहम जानकारियां दी गई जो यहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए काफी जरूरी होती है। डॉक्टर मंडल के लेक्चर के कुछ अंश। And we have three major departments. One is the occupational hygiene, that looks after the environmental department. There is one occupational health, which is this constitutes for most of the doctors and biochemists. And there is one biochemistry department where you get partly people from the biochemistry and biochemical department. So we conduct projects on the environmental research and health research also. विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट किया जा गया। विश्वविद्यालय के कई संकाय के विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट में चयन हुआ है। इसी प्लेसमेंट के दौरान रेटरा ग्रुप में चयनित विद्यार्थी से हमने बातचीत की और उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जाना। My name is Nilesh Kumar Vishwakarma. I am from Devar. I am currently pursuing diploma civil engineering in sixth term from AKS University Satna. AKS University में स्टार्टअप ग्रुप ऑफ कंपनी का कैंपस आया। इसमें सबसे पहले हमको रिटन टेस्ट दिया, इसके बाद मेरी GD हुई। GD के बाद हमको पर्सनल इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया। मुंबई में जब हम गए तो वहाँ हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ और स्टार्टअप ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट मिली। इसके बाद कंपनी ने विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।